तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को करते हैं। देखो, ये वाले सवाल कुछ बच्चे हमारे पास डाउट लेके आते हैं और अलग-अलग बुक में दिखाते हैं, तो बहुत सारे बुक में और बहुत सारा एक्सप्लेनेशन मैं देखता हूँ फर्जी है। तो इसका मैं आज सही सलूशन देता हूँ, और अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना। 2021 में आया हुआ है कथा। एक कन्वेक्स लेंस से है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले एक कन्वेक्स लेंस बना लेते हैं, और दूसरा जो है बी कॉनकेव लेंस है, और दोनों सेम एक्सिस पर रखे हुए हैं, डिस्टेंस डी है उनके बीच। ठीक है ना, तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो एक यहाँ पे अपने पास कॉनकेव लेंस है, ठीक है ना, कन्वेक्स लेंस है, और यहाँ पर ये कॉनकेव लेंस है। ये दोनों एक दूसरे के एक ही एक्सिस पे रखे हैं। इसका जो फोकल लेंथ है पॉजिटिव होता है +20 सेंटीमीटर, और इसका जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होता है -5 सेंटीमीटर, आपको पता है। अब यहाँ से ये इस लेंस को मैं लेंस फर्स्ट नाम दे देता हूँ, इसको मैं लेंस टू नाम दे देता हूँ। कहता है एक पैरेलल बीम लाइट ए पर फॉल करती है और बी को पैरेलल लीव करती है, तो डिस्टेंस डी की कैलकुलेशन करो। ठीक ना, तो डिस्टेंस डी क्या है? ठीक ना, विथ ए सेपरेशन डी बिटवीन देम, डी इनके बीच का सेपरेशन है, दिस इज द सेपरेशन बिटवीन द लेंस। अगर कोई पैरेलल बीम इस पे मैं डालता हूँ, तो ये पैरेलल बीम लेंस L1 के लिए कहाँ फोकस होगी, बोलो? लेंस L1 के लिए फोकस होगी इसके फोकस पे। ठीक है ना, ये फोकस पे, यहाँ पे फोकस होती कहीं पे, और ये डिस्टेंस दिया हुआ, दिस इज द फोकस ऑफ लेंस फर्स्ट F1, दिस डिस्टेंस इज ऑलरेडी गिवेन, दैट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक ना, अब 20 सेंटीमीटर ये है। अब यहाँ से तुम देखोगे, यहाँ पर जो ये वाली आती है, अगर ये लेंस L2 नहीं होता तो ये बीम यहाँ आती। ठीक है ना, और अगर ये बीम यहाँ आती तो इमेज यहाँ फर्स्ट इमेज I1 बनता, जो कि लेंस L1 का फर्स्ट इमेज है। बट यहाँ तक बीम यहाँ तक तो आएगी, पर इसके बाद डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि लेंस L2 मिल गया डाइवर्जिंग। तो ये ऐसे डाइवर्ज करता है कि ये बीम पैरेलल हो जाती है। ठीक ना, ऐसे पैरेलल हो जाती है। तो अब ये जो लेंस L2 है, दिस लेंस L2, इस लेंस L2 के लिए ये वाली जो ये दिस वन, ये जो इमेज I1 है, एक तरह से वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक ना, इट विल एक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इमेज I1 एक्ट इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर यहाँ से लेंस L2। तो ये वाली जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो यू इसका कितना हो जाएगा, दी ये यू कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियसली यू की वैल्यू आ जाएगी, बोलो, 20 - d आ जाएगी, जो कि प्लस में आएगा, क्योंकि +20 - d साइन कन्वेंशन से इधर राइट साइड है। तो अब जो भी ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया I1, I1 जो है इमेज है किसके लिए, L पहले वाले लेंस के लिए, लेकिन दूसरे वाले लेंस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक ना, बिकॉज यहाँ से इंसिडेंट रे इज अबाउट टू कट, नॉट एक्चुअली कट। ठीक ना, अगर एक्चुअल में कट करती तो रियल ऑब्जेक्ट बनता, अपीयर टू कट। ये बात समझ में आया? अब ये जो कन्वर्ज हो रही है, जो लेंस पे पड़ी और रिफ्लेक्ट हो रही है, वो तो इन्फिनिटी को जा रही है, तो लेंस L2 जो इमेज बनाएगा वो इन्फिनिटी पे बनाएगा, जो कि यहाँ से राइट साइड है, तो +∞ इस साइड। तो इसका जो फोकल लेंथ है वो आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं ये 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f फॉर लेंस L2 के लिए लगा देता हूँ। तो लेंस L2 के लिए ये इन्फिनिटी चला गया, -1/u इज इक्वल टू 20 - d आ गया, और ये यहाँ से 1/4 फोकल लेंथ यहाँ 5 आ गया, तो ये माइनस, ये माइनस, ये 0 चला गया, तो 20 - d इज इक्वल टू 5 आ गया, तो 20 - 5 इज इक्वल टू d, तो d की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। d क्या था? इन दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन था, जो कि यहाँ से 15 सेंटीमीटर आएगा। दैट इज अपना थर्ड ऑप्शन सही है। थैंक यू।